ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से मौजूद हैं काशीपुर उत्तराखंड में और मैं क्षेत्रीय अधिकारी इफको काशीपुर नीरज डोभाल और हमारे साथ आज उपस्थित हैं राज्य विपणन प्रबंधक महोदय इफको उत्तराखंड और साथ ही आज हम खड़े हैं सोलंकी जी के फार्म पे। अब सोलंकी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सरसों की फसल में नैनो यूरिया का छिड़काव किया है, इसके बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैंने अपनी सरसों में पहले तो NPK 12/32/16 साथ में बोया, उसके बाद लाइक सरसों करीब 35 से 40 दिन होने के बाद जब पत्ते पूरे भर के आ गए उसके बाद हमने इसमें इफको अधिकारियों ने जैसे हमें सलाह की आप नैनो यूरिया का स्प्रे कीजिए, हमने नैनो यूरिया का स्प्रे किया। हमें काफ़ी अच्छा अनुभव मिल रहा है खेत में। खेत को देख के हमें लगता है कि हमारी पैदावार 7 क्विंटल प्लस में हो सकती है। पीली सरसों हमारी। आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरी तरह संतुष्ट हैं। किसान को क्या बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी नैनो यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल करें जी अपने खेतों में? इससे लाभ क्या है? इससे लाभ ये है साहब, एक तो फसल में ग्रीनपन ज़्यादा है, ठीक है, जो पीला होती है दब जाती है फसल, वो चीज़ नहीं है इसमें। और जो अपना जमीनों की सुरक्षा बनी रहती है, पानी के साथ जो हमारा यूरिया घुल के नीचे जाता है उससे हमारी ज़मीन काफ़ी बंजर होती है, उससे बचेगी, हवा में भी उड़ जाता है। आपको भी मालूम होगा कि हम नैनो यूरिया का प्रयोग क्यों कर रहे हैं और इससे उपलब्धता भी करीब 80% के आसपास पौधों को रहती है, जो ट्रेडिशनल यूरिया उसमें ऐसा नहीं रहता, इसलिए आपको अच्छा लगता है। जब जब जरूरत होती है तभी तभी वो पौधे को नाइट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। तो हमको लगता है 4 ml/L पानी में मिला करके आपने इसका छिड़काव किया। ये कुल कितना एकड़ खेत है ये जी? हमारा पूरा रकबा 17 एकड़। तो पूरे 17 एकड़ में आपने? पूरे 17 एकड़ में हमने किया ये। पूरी तरह आप संतुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप भी किसानों को बताएं कि हम नैनो का यूरिया का अगर प्रयोग करते हैं लागत भी कम है और पैदावार भी हमको ज़्यादा मिलेगी, हमारी ज़मीन भी बचेगी, पानी भी बचेगा और हवा में जो प्रदूषित होता है वो भी बचेगा जी, और ले जाने का खर्चा भी कम है। जेब में डाला और ले आया जी, बाइक पे जाके ले आओ, स्कूटी पे जाके ले आओ, ट्रैक्टर ट्रॉली से बचोगे। बहुत अच्छी बात है। और भारत सरकार की सब्सिडी भी बचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार की सब्सिडी बचेगी, ठीक है, जो कि विदेश में जा रहा है हमारा अनायास पैसा, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी है। धन्यवाद। ठीक है।